हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे ही क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम में रिसेंट जो आपका मई जून 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वही सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, इस वाले टॉपिक में से आपके दो तीन क्वेश्चंस पूछे थे। इसमें है आपका पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, व्हाट प्राइमरी डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो केन्स ने जो आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दिया था, यहाँ पे इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके क्या बोला था? तो द सप्लाई ऑफ मनी, मतलब ये जो केन्स थे, इन्होंने इन्होंने जो भी आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दिया था उसमें इन्होंने कहा था, तो इनका फुल नाम था जे एम केन्स, और इन्होंने अपनी थ्योरी में ये कहा था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके अपनी थ्योरी दी थी। इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बोला था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मॉनेटरी फिनोमेना। तो इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके ये बोला था फ्रेंड्स कि ये एक मॉनेटरी फिनोमेना है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिमांड कितनी है मनी की और सप्लाई कितनी है इसके हिसाब से डिफाइन होता है। डिमांड ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा, और अगर आपका डिमांड कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा। तो इस तरह से इन्होंने अपनी थ्योरी में बोला था। सो अकॉर्डिंग टू केन्स लिक्विडिटी थ्योरी, व्हाट प्राइमरली डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड ऑफ मनी। तो ये दो बातें इन्होंने अपनी थ्योरी में बोली थी। और तीसरा है गवर्नमेंट रेगुलेशन और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं किया था, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपके चार ऑप्शंस है, 1 एंड 2, 2 एंड 3, तो इसमें से 1 एंड 2 आपका करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर ए इसमें हो जाएगा। क्योंकि केन्स ने जो अपना लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दिया था, इसमें उन्होंने कहा था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिटरमाइन होता है सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर मनी। तो ये पूरा का पूरा एक मॉनिटरी फिनोमेना होता है, मतलब इंटरेस्ट इस बात पर डिपेंड करेगा कि पैसे का कितना डिमांड है और पैसे का कितना सप्लाई है, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी, तो इस चीज पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करते हैं। तो ये थ्योरी में अपना जे एम केन्स ने अपना बताया था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 एंड 2 ओनली। व्हाट इज ट्रांजिशन मोटिव इन केन्स थ्योरी। तो ये जो केन्स ने अपना थ्योरी बताया था, यहाँ पे इन्होंने तीन मोटिव बताए थे। तो जो केन्स थे, जे एम केन्स, इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी, जिनका हमने नाम रखा लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है, उसका इन्होंने नाम रखा लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो इस थ्योरी में केन्स ने ये भी बताया था, एक बात तो इन्होंने ये बोली थी जो हमारा ये क्वेश्चन था, कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी पर डिपेंड करता है। फिर आगे इन्होंने ये भी बोला था कि तीन मोटिव होते हैं, किसी भी पर्सन के तीन मोटिव होते हैं जिसकी वजह से वो कैश को होल्ड करता है, ठीक है। आप अपने पास कैश रखते हैं, तो तीन में से कोई एक मोटिव होगा। तो तीन मोटिव्स होते हैं जिसकी वजह से लोग अपने पास कैश रखते हैं, तो ऐसा इन्होंने अपनी थ्योरी में बोला था। तो तीन मोटिव के नाम क्या थे? एक था आपका ट्रांजेक्शन मोटिव्स, सेकेंड इन्होंने बताया था प्रिकॉशनरी मोटिव, और तीसरा था हमारा स्पेक्युलेटिव मोटिव्स। तो इन तीन मोटिव की इन्होंने बात की थी। सो ये इस आपका जो ट्रांजिशन मोटिव, जो पहला मोटिव है, उसी के ऊपर ये वाला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज ट्रांजिशन मोटिव इन केन्स थ्योरी। तो केन्स ने अपना जो थ्योरी दिया था, वहां पर उन्होंने ट्रांजिशन मोटिव को लेके क्या बोला था, ठीक है। तो ट्रांजिशन मोटिव में केन्स ने ये बात बोली थी कि कोई भी अगर कैश को होल्ड करता है, कोई भी पर्सन कैश को होल्ड करता है, वो इसीलिए करता है क्योंकि उसको कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करना होता है, कुछ ना कुछ उसकी करंट ट्रांजेक्शन होती है इंडिविजुअल की या किसी कंपनी की, तो उसकी ट्रांजेक्शन होती है इंडिविजुअल की, तो उस पर्पज के लिए वो कैश को होल्ड करता है। यानी एक तरह से गैप को पूरा करने की कोशिश करता है। जो कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने पास कैश क्यों रखता है? आप किसी का या खुद का आप एग्जाम्पल लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सोचिए कि आप कैश क्यों रखते हैं? जो भी आपके इनकम और एक्सपेंसेस का जो गैप है उसको पूरा करने के लिए आप अपने पास कैश रखते हैं। तो यही बात जो है ट्रांजिशन मोटिव में बोली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे द डिजायर टू होल्ड कैश फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर में हम इन्वेस्ट करेंगे इसलिए लोग कैश रखते हैं, ये बात इसमें नहीं था, ट्रांजिशन मोटिव में ये बात नहीं की गई थी। द नीड टू मेंटेन कैश फॉर करंट ट्रांजेक्शन, अभी आपको जो ट्रांजेक्शन करनी है, अभी आपको अपनी करंट ट्रांजेक्शन करनी है, इस पर्पज के लिए आप कैश को रखते हैं, ये वाली बात ट्रांजिशन मोटिव में बोली गई थी। तो ये बिल्कुल सही है। लार्ज टू सेव फॉर अनफोर्सिंग एक्सपेंस, तो जो अनफोर्सिंग है वो आपका प्रिकॉशनरी वाले में आ जाएगा, और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वाला आपका स्पेकुलेटिव वाला ना उसका आ जाएगा, ठीक है। द स्पेकुलेशन ऑन बॉन्ड प्राइसेस, ये इसी में आपका आ जाएगा। तो जो आपका ट्रांजिशन मोटिव है वो यही था कि हमारे को जो करंट ट्रांजेक्शन करनी होती है उसी पर्पज के लिए हम अपने पास कैश रखते हैं। आप लोग घर पे कैश क्यों रखते हैं? आपको डे टू डे कोई एक्टिविटी में आपको पैसे चाहिए होंगे, तो उन ट्रांजेक्शन के लिए आप अपने पास कैश रखते हैं, ठीक है। तो तीन मोटिव है से एक जो मोटिव है ट्रांजेक्शन, वो यही है कि आपको करंट ट्रांजेक्शन करनी होती है इसीलिए आप जो है कैश रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकेंड, सो बी ओनली, सेकेंड ओनली। तो बी आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा।
द ट्रांजिशन मोटिव रेफर्स टू द डिमांड फॉर कैश टू फैसिलिटेट करंट ट्रांजिशन, यानी यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है कैश की डिमांड इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको करंट ट्रांजिशन करनी होती है. इट इज नॉट कंसर्न विथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और अनफोर्सिंग एक्सपेंस विच आर कवर्ड बाय प्रिकॉशनरी. तो प्रिकॉशनरी जो सेकेंड मोटिव है वहां पे ये देखते हैं कि आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई अचानक से आपको एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है, अचानक से कोई खर्चे आ सकते हैं तो इसलिए भी आप कैश रखते हैं, वो दूसरा रीजन हो जाएगा. बट इस वाले में सिर्फ ट्रांजेक्शन वाले की बात की गई है, तो आपको ट्रांजेक्शन करनी है करंट ट्रांजेक्शन, इसीलिए आप कैश को होल्ड करते हैं, यही पर्पस होता है ट्रांजेक्शन मोटिव वाले का. सो बी इसका यानी सेकेंड जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसके ऊपर, व्हाट आर स्पेक्युलेटिव मोटिव्स अकॉर्डिंग टू केन्स. तो केन्स के जैसे हमने कहा था कि इन्होंने तीन मोटिव्स बताए थे, ट्रांजिशन के ऊपर हम ऑलरेडी क्वेश्चंस देख चुके हैं, तो जो उसका तीसरा मोटिव है जिसको स्पेक्युलेटिव मोटिव बोला जाता है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी वाले मोटिव के ऊपर है. व्हाट डज द स्पेक्युलेटिव मोटिव इंटेल अकॉर्डिंग टू केन्स. तो जो आपके जेएम केन्स थे इन्होंने स्पेक्युलेटिव मोटिव के बारे में क्या बोला था, ठीक है. तो स्पेक्युलेटिव मोटिव के बारे में जेएम केन्स ने ये बोला था कि कोई भी जो पर्सन है वो अपने पास कैश इसलिए रखता है क्योंकि फ्यूचर में उसको कोई बेनिफिट हो सकता है. मान लीजिए कोई बॉन्ड का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो आप इसलिए अभी से कैश लेके उसका जो है बॉन्ड खरीदने का आप ट्राई करोगे ताकि जब रेट बढ़ेगा तब आप उसको खरीद पाओगे, ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, पहले कीपिंग कैश फॉर इमीडिएट एक्सपेंस. तो इमीडिएट के लिए नहीं होता, इमीडिएट या करंट वाले का जो है ट्रांजेक्शन होता है वो स्पेक्युलेटिव वाला नहीं होता, तो ये आपका गलत हो जाएगा. सेकेंड है होल्डिंग रिसोर्स लिक्विड टू प्रॉफिट फ्रॉम चेंज इन इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस. हाँ ये वाली बात सही है कि बाद में आपको कोई बेनिफिट होगा, ठीक है. स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी क्या होता है, मतलब कोई अगर आपको बाद में बेनिफिट होगा तो इसीलिए आप अपने पास लिक्विड फॉर्म में कैश रख रहे हैं, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, जो सेकंड है ये आपका करेक्ट हो जाएगा. सेविंग मनी फॉर एमरजेंसीज, एमरजेंसीज के लिए आपको पैसा रखना है वो स्पेक्युलेटिव नहीं होता, वो क्या होता है एमरजेंसीज के लिए आप पैसा रखते हैं वो होता है प्रिकॉशन, कि अचानक से कुछ अनफोर्सिंग एक्सपेंस आ जाएंगे तो वो प्रिकॉशनरी वाला होता है, ये स्पेक्युलेटिव वाला नहीं होता. तो ये आपका होता है कौन सा, प्रिकॉशनरी मोटिव. इन्वेस्टिंग ऑल रिसोर्स इन रियल एस्टेट, कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाएगा, ये कोई भी इसमें मोटिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो सेकेंड आंसर है वो स्पेक्युलेटिव मोटिव को मैच करता है. तो स्पेक्युलेटिव का एग्जैक्ट मतलब क्या है, अगर आप है मान लीजिए और आप अपने पास कैश इसलिए रख रहे हैं ताकि आपकी स्पेक्युलेटिव मोटिव को पूरा किया जाए, तो इसको किसी एग्जाम्पल से हम समझ सकेंगे फ्रेंड्स. जैसे मान लीजिए कि आप अपने पास कैश रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, मान लीजिए कोई बॉन्ड है, एज्यूम कीजिए कि कोई बॉन्ड है, आप लोग जानते हैं कि बॉन्ड का प्राइस और जो इंटरेस्ट रेट है ये इन्वर्सली रिलेशन होता है, यानी बॉन्ड का प्राइस अगर बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट घटेगा और अगर ये घटेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है. ये बॉन्ड और इंटरेस्ट का एक इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है. अगर मान लीजिए बॉन्ड प्राइस आप सोच रहे हैं कि बढ़ने वाले हैं, ठीक है, बॉन्ड प्राइस बढ़ने वाले हैं, यानी अभी बॉन्ड प्राइस कम है आप आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो अभी आप मान लीजिए बॉन्ड का प्राइस है 100 रुपए और आपको लगेगा कि जो बॉन्ड का प्राइस है वो महंगा हो सकता है, डिमांड काफी आ रही है. मान लीजिए आपको लग रहा है कि बॉन्ड का प्राइस बढ़कर 150 हो सकता है 2 महीने में, तो आप क्या करेंगे, फटाफट से 100 रुपए के कुछ बॉन्ड खरीद लेंगे. क्यों, आप इसलिए बॉन्ड खरीदेंगे ताकि जब रेट बढ़ेगा तो हम बेच के 50 रुपए का फायदा कमाएंगे. तो यही एक तरीके की एक्टिविटी जिसको स्पेक्युलेटिव बोल रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कैश अपने पास इसलिए रख रहे हैं ताकि आप कैश इसलिए रखें ताकि आप अपनी स्पेक्युलेटिव वाली एक्टिविटी को पूरा कर सके. स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है प्रॉफिट को अर्न करना, जैसे बॉन्ड का प्राइस चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो है प्रॉफिट को अर्न करना. जैसे कि आपके पास, आपको मान लो कि बॉन्ड का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप क्या करोगे, 100 रुपए का अभी बॉन्ड है, आपको लग रहा है शायद 150 का हो सकता है, तो आप क्या करोगे, मार्केट से फटाफट से कुछ बॉन्ड्स खरीद लोगे. क्यों, क्योंकि जब वो 150 का होगा तो आप 50 रुपए का प्रॉफिट अर्न करोगे. तो यहाँ पे ये प्रॉफिट वर्ड देखिए दिया गया, ये प्रॉफिट, कि यहाँ पे जो है कैश को इसलिए रख रहे हैं ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सको बॉन्ड प्राइस के चेंज होने से. बॉन्ड प्राइस का चेंज होने का क्या मतलब है फ्रेंड्स, ये मतलब है कि अभी बॉन्ड का प्राइस मान लीजिए 100 रुपए है, बढ़ के 150 हो सकता है, और इसका वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब आपके पास मान लीजिए अभी बॉन्ड है और आपको पता लगा कि बॉन्ड के रेट क्या है, घटने वाले, तो आप क्या करोगे, अपने बॉन्ड्स बेच दोगे. क्यों, क्योंकि अभी मान लीजिए आपके पास बॉन्ड है 150 रुपए का और आपको लग रहा है कि फ्यूचर में बॉन्ड 100 रुपए का हो सकता है, तो आपको घाटा हो सकता है, तो आप क्या करोगे, फटाफट से अपने बॉन्ड्स को यहाँ पे बेच दोगे. तो यहाँ पे आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हो, तो कैश जो है आपके पास इसीलिए है ताकि आप अपनी प्रॉफिट वाली एक्टिविटी को पूरा कर सको, ताकि आप प्रॉफिट को जो अर्न कर सको. तो मेन पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट ही यहाँ पे हो जाता है, ठीक है. तो सिर्फ और सिर्फ जो बी है, जो सेकंड है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा. बी सेकंड ओनली, ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा. यहाँ पे बोला गया था कि कोई भी इंडिविजुअल है कैश अपने पास इसलिए रखता है ताकि बॉन्ड का प्राइस चेंज होगा उसका वो बेनिफिट ले सके, एमरजेंसीज के लिए नहीं. एमरजेंसीज के लिए कौन सा मोटिव है, एमरजेंसीज के लिए आपका प्रिकॉशनरी वाला मोटिव है. कोई भी एमरजेंसीज के लिए, जैसे मान लीजिए आपने कुछ अलग से पैसा रखा हुआ है ताकि अचानक से कुछ एमरजेंसीज आ जाएगी तब आप उस पैसे को यूज करोगे, तो वो आपका प्रिकॉशनरी मोटिव है. तो तीन मोटिव के लिए आप पैसा रखते हो, ट्रांजेक्शन मतलब आपको करंट ट्रांजेक्शन, इमीडिएट जो ट्रांजेक्शन है वो करनी इसलिए आप पैसा रखते हो, प्रिकॉशनरी मतलब कुछ एमरजेंसीज आ जाएगा इसलिए आपको
पैसा अपने पास रखते हो। तीसरा पर्पस होता है स्पेकुलेटिव, मतलब आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप कैश इसलिए रख रहे हो ताकि कुछ टाइम बाद आपको कुछ बेनिफिट हो सके, कुछ टाइम बाद आप उस पैसे से फटाफट से कोई बॉन्ड लेके और उसको जब रेट बढ़ेगा तो उसको बेच के 50 रुपए का से फायदा कमा सको, तो प्रॉफिट वाली चीज यहाँ पे आ जाती है। तो तीनों के एक एक कीवर्ड्स है, ट्रांजिशन मतलब करंट एक्टिविटी, प्रिकॉशन मतलब कुछ इमरजेंसीज के लिए पैसा चाहिए होगा, स्पेकुलेटिव मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप अपने पास कैश इसीलिए रखे हो ताकि जब बॉन्ड का प्राइस काफी सस्ता होगा तो फटाफट उस कैश से आप बॉन्ड खरीद लोगे और फिर उसको बेच के अपना फायदा कमाओगे। तो इस तरह से आपका स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हो जाएगा। तो स्पेकुलेटिव वही होता है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक मार्केट से खरीद के दूसरी मार्केट में बेचते हैं, जैसे आपका जो फॉरेन रिजर्व होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, तो एक मार्केट से लेके दूसरे मार्केट में आप फॉरेन एक्सचेंज को महंगे में बेच रहे हैं, तो भी एक तरीके का स्पेकुलेटिव एक्टिविटी होता है। तो सेम चीज आपके बॉन्ड के ऊपर भी लागू होती है कि आपके पास पैसा है, कैश है, इसीलिए ताकि जब बॉन्ड का रेट सस्ता होगा तो फटाफट उस कैश से हम बॉन्ड खरीद लेंगे और जब रेट महंगा होगा तो उसको हम बेच देंगे, तो ये आपकी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसी के ऊपर, अकॉर्डिंग टू केन्स हाउ डज रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो जो केन्स थे इन्होंने स्पेकुलेटिव और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच बारे में क्या बोला था, ठीक है, तो देखिए तो उन्होंने क्या बोला था वो देख लेते हैं। चार ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे जो बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और आपके पैसों की डिमांड है, तो जब बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता है तो लोग क्या करते हैं फटाफट जाके लोन लेते हैं, लोन की पैसे की डिमांड करते हैं, ठीक है, तो जब इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो लोग डिमांड भी ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे एक इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलता है, यहाँ देखिए लोअर इंटरेस्ट रेट लेड टू हायर स्पेकुलेटिव डिमांड, तो जब आपके पास इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो आप क्या करोगे आप ज्यादा डिमांड करोगे, क्योंकि जब आपके पास इंटरेस्ट रेट, जब बैंक का इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो आप जैसा लोन लेना चाहोगे, ठीक है, आप अपने पास जैसा कैश होल्ड करना चाहोगे, उससे जो है अपना प्रॉफिट अपन करना चाहोगे, जैसे कोई बिजनेस वाली एक्टिविटी कर रहा है, तो जब इंटरेस्ट रेट सस्ता है तो जैसा लोग लोन लेना पसंद करते हैं ताकि वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को अपना पूरा कर सके। तो जो बी है सेकेंड ओनली, यही आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लाइन भी लिखी है कि जो केन था इन्होंने बोला था कि जो इंटरेस्ट रेट जब डिक्रीज होता है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इंक्रीज, तो पैसे की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए हाउसिंग लोन है, पहले 8 था, मान लीजिए पहले 10 था, अभी 8 हो गया, तो सबने देखा इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है, तो लोग क्या करेंगे फटाफट से बैंक जाके क्या करेंगे लोन की डिमांड करेंगे, तो क्या हो रहा है डिमांड बढ़ रहा है, कब, जब इंटरेस्ट रेट घट रहा है, और इसी का वाइस वर्सा, वाइस वर्सा यानी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग डिमांड कम करेंगे। मान लीजिए हाउसिंग लोन 12% पे चला गया तो कोई जाके क्यों हाउसिंग लोन लेगा, लोग सोचेंगे जब रेट इंटरेस्ट सस्ता होगा तब जाके हम लोग लेंगे, तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डिमांड भी कम हो जाती है, ठीक है, हायर रेट रिड्यूस द डिमांड, तो जब रेट हाई है मतलब इंटरेस्ट रेट हाई है तो लोग डिमांड कम करते हैं, ठीक है, और जब इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग डिमांड ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग डिमांड कम करेंगे और जब इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, लोअर इंटरेस्ट रेट लेड्स टू हायर स्पेकुलेटिव डिमांड, तो जब इंटरेस्ट रेट सस्ता होगा तो लोग ज्यादा पैसों की लोन की डिमांड करते हैं, तो सेकंड इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पहला हाई इंटरेस्ट रेट लेड टू हायर डिमांड, तो जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो ज्यादा डिमांड होती है, बात गलत है, इंटरेस्ट रेट हैव नो इफेक्ट ऑन स्पेकुलेटिव, इंटरेस्ट रेट का डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, ये बात भी गलत है, स्पेकुलेटिव डिमांड इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लेशन, बोल रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसके बढ़ने घटने से स्पेकुलेटिव डिमांड लोगों की इन्फ्लुएंस होती है, ये बात भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है बी वही करेक्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से आपकी जो डिमांड है, सॉरी इंटरेस्ट रेट के घटने से जो है डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि सस्ता इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। तो केन्स वाले के ऊपर आपके दो तीन चार क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं, ये आपका पूछा गया था अभी आपका जो मई जून 2024 में था ना, तो इस टॉपिक पे से क्वेश्चन थे, और भी हम देखेंगे अभी। What is first step in higher purchase transition? तो higher purchase के ऊपर भी आपका questions पूछा गया था friends। तो higher purchase exactly क्या होता है? Higher purchase में क्या होगा? मान लीजिए कोई दुकान है, seller है ये, मान लीजिए, ठीक है, ये दुकानदार है, ये है seller। ये क्या करता है? Manufacturer यानी factory से मान लीजिए कोई मशीन खरीद लेता है, ठीक है, उस मशीन की कीमत है मान लीजिए 5 करोड़। तो सेलर ने क्या किया? मैन्युफैक्चरर जो कि मशीन बनाता है उससे 5 करोड़ की मशीन खरीद ली। अब मशीन किसकी होगी? होगी सेलर की, क्योंकि उसने 5 करोड़ देके ये मशीन खरीद ली। अब इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के या कुछ इंटरेस्ट जोड़ के मान लीजिए इनका बन जाता है 5.5 करोड़। अब कोई ग्राहक है, मान लीजिए कोई बायर आया और बायर बोलता है कि मुझे ये मशीन खरीदनी है, ठीक है, तो हायर परचेज में क्या होगा कि पूरा का पूरा 5.5 करोड़ एक बार में बायर को नहीं देना, सिर्फ 15 या 20% रहता है, इसी के ऊपर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है शायद, कि 20 से 25% रहता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 20 से लेके 25% तक का पैसा दीजिए, यानी मैक्सिमम 1/4, ठीक है, 20 से 25% पैसा दीजिए और बाकी का जो पैसा है आप क्या करेंगे, आप ईएमआई के तौर पे दे सकते हैं, ठीक है, ईएमआई में विद इंटरेस्ट लगा के जो है सेलर आपका रेट बनाएगा। मान लीजिए 5.5 करोड़ में उसने इंटरेस्ट जोड़ के बोल दिया कि 6 करोड़ हुआ, तो 6 करोड़ का 25% मैक्सिमम कितना हो गया? ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़।
तो 1.5 करोड़ आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा बायर को, सेलर को, और बाकी का जो 4.5 करोड़ बचेगा वो ईएमआई के थ्रू, अब ईएमआई आपका 3 साल का 4 साल का अपना जैसा भी बायर और सेलर का कॉन्ट्रैक्ट है उस हिसाब से जो उसको पे करना होता है उसी को बोलते हैं हायर परचेज क्लॉज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सेलर है ये हायर कर रहा है, ये जो मशीन है उसको खरीद के किसको बेच रहा है, ये अपने जो है बायर को बेच रहा है विद ईएमआई पेमेंट, तो वही होता है हमारा हायर परचेज ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे जो बायर है उसको अपना हायर इसको बोल दिया जाएगा, क्योंकि उसको क्या करनी है, जो बाकी का जो बैलेंस पेमेंट है वो ईएमआई के थ्रू करनी है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, तो जो हायर परचेज ट्रांजेक्शन होती है इसमें पहला स्टेप क्या होता है, तो पहला इसमें बोला है कि हायर मेक ए डाउन पेमेंट, ऐसा नहीं है, ये नेक्स्ट स्टेप है, जब उनका ईएमआई सब बनता है तब वो अपना जो है उस टाइम पे डाउन पेमेंट करता है, लेकिन ये बात गलत है। फर्स्ट स्टेप क्या है, द सेलर परचेज द असेट फ्रॉम सप्लायर, ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है कि पहले क्या करता है सेलर सप्लायर से मशीन खरीदता है और फिर बाद में जो है बायर को कुछ डाउन पेमेंट करके ईएमआई बनानी होती है, तो ये स्टेप नंबर 2 इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में क्या है कि जो सेलर है वो क्या करता है मशीन खरीदता है किसी भी सप्लायर से, तो जो सेकेंड है यही बात सही है, द बैलेंस कॉस्ट इज पेड थ्रू ईएमआई, ये बात की बात है, जब डाउन पेमेंट हो जाते हैं ना तो उसके बाद ईएमआई से पे करता है, अ फिक्स डिपॉजिट इज मेड विद द सेलर। तो कई बार क्या होता है कि या तो जो सेलर है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का सेलर की अपनी क्या कंडीशंस है, तो कई बार सेलर बोलता है कि तुम 20 से 25% की डाउन पेमेंट कर दो, डाउन पेमेंट मतलब जो अमाउंट है मान लीजिए 6 करोड़ का है, तो 20 से 25% कुछ मान लीजिए 25% है तो 1.5 करोड़ बनता है, तो या तो सेलर बोलेगा कि तुम मुझे 1.5 करोड़ दे दो, या फिर सेलर क्या करता है कि कुछ फिक्स डिपॉजिट करा लेते हैं, जैसे लॉकर होता है ना, तो लॉकर में आप क्या करते हैं 2 या 3 साल का जो लॉकर रेंट है उसका एफडी बना लेते हैं, तो सेम इसी तरह का वो फिक्स डिपॉजिट जो है सेलर अपने पास कुछ ले लेता है इंस्टेड ऑफ डाउन पेमेंट, और पूरा का पूरा पैसा जो है ईएमआई के थ्रू आपसे आपसे जो है रिकवर करता है। ठीक है, फिर वो जो फिक्स डिपॉजिट है वो आपका लास्ट में जो ईएमआई वहां एडजस्ट करता है वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट आपके और सेलर के बीच में बना है। तो 2 ऑप्शन है, या तो आप कुछ 20 to 25% डाउन पेमेंट कर दो या कुछ फिक्स डिपॉजिट सेलर के पास करवा दो और पूरा का पूरा पैसा ईएमआई के थ्रू जो है पे करो। तो ये बाकी के स्टेप बाद में होते, पहले स्टेप में सेलर क्या करता है मैन्युफैक्चरर से मशीन खरीदता है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है मैन्युफैक्चरर से मशीन खरीदेगा, फिर अपना जो हायरर है यानी जो बायर है वो आके उसको डाउन पेमेंट करेगा, फिर उसकी ईएमआई बनाई जाएगी, किसी किसी केस में डाउन पेमेंट होता है या किसी केस में जो है फिक्स डिपॉजिट भी करा ली जाती है। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा कि सेलर जो है मशीन खरीदता है सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से, तो जो सेकेंड है बी वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टिपिकली रिक्वायर्ड एज अ डाउन पेमेंट, तो ये हमने पहले भी देख लिया था, तो कितना डाउन पेमेंट करना होता है जनरली, तो 20 to 25% रहता है। ठीक है, फुल पेमेंट वो तो डाउन पेमेंट नहीं होगा, फिक्स डिपॉजिट या मंथली इंस्टॉलमेंट ये बात की बात है, कितना आपको डाउन पेमेंट करना रहता है तो 20 से 25% का रहता है, तो फर्स्ट वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हायरर है या जो बायर है इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ 20 to 25% ऑफ एसेट कॉस्ट, तो जितनी भी कीमत है उस एसेट की उस मशीन की उसका 20 से 25% आपको क्या करना होता है डाउन पेमेंट के तौर पे सेलर को देना होता है। ठीक है, तो ये आपका ए यानी फर्स्ट वाला आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वेंचर कैपिटल के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा गया था, और इसके ऊपर आपके जनरली क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक के ऊपर आपके 2 से 3 क्वेश्चंस अभी रिसेंटली पूछे गए थे। ठीक है, तो व्हाट इज प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल, तो वेंचर कैपिटल एक्जैक्टली क्या होता है फ्रेंड्स, तो वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको पैसे की जरूरत होती है, मान लीजिए आपके पास कोई अच्छा आइडिया है और आपको लगता है कि इस आइडिया से मैं बहुत अच्छा एक बिजनेस एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ा कर सकता हूँ, अब इतनी बड़ी कंपनी आपको बनानी है तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा, तो जनरली नए नए जैसे बहुत सारे जो नए नए स्टार्टअप होते हैं तो बहुत सारे होते हैं पर सभी के सभी सक्सेस नहीं होते, तो स्टार्टिंग में जो है पैसे का अरेंजमेंट बहुत मुश्किल होता है। अब मान लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और आप उस आइडिया के बलबूते पे चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा मैं कंपनी खड़ा करूं जिसमें बहुत बड़ी कंपनी बनाऊं, पर स्टार्टिंग में आपके आइडिया पे कौन बिलीव करेगा, कोई नहीं बिलीव करेगा, वैसे टाइम पे जो सपोर्टर्स हैं वो होते हैं वेंचर कैपिटल। आप कई बार कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसके तहत आपको लोन मिलता है नए नए आइडियाज पे, जैसे स्टार्टअप के लिए कोई लोन मिलता है, पर जरूरी नहीं है कि आपकी वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। ठीक है, तो वैसे टाइप पे वेंचर कैपिटल एक बेस्ट ऑप्शन होता है, तो वेंचर कैपिटल भी सभी कंपनीज को मतलब लोन नहीं देते, वेंचर कैपिटल जो है आप मान लीजिए उनके पास 10 या 20 एप्लीकेशन आई है तो प्रॉपर इनकी टीम होती है वो मान लीजिए 10 एप्लीकेशन है तो उनके जो है जो इनके एम्प्लॉयज होते हैं या वेंचर कैपिटल के जो मेंबर्स होते हैं वो काफी एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको मालूम होता है कि ये आइडिया फ्यूचर में कितना अच्छा हो सकता है। ठीक है, उनको पूरी नॉलेज होती है, तो मान लीजिए 10 या 20 उनके पास एप्लीकेशन आई है तो उन 20 में से वो कोई 4 या 5 एप्लीकेशन को सेलेक्ट करते हैं
और उनसे प्रॉपर उनकी जो प्रॉपर मीटिंग कराई जाती है, प्रॉपर उनके इंटरव्यूज होते हैं कि आपका क्या आइडिया, आप क्या सोचते हैं, आपकी कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है, तो प्रॉपर जो है ये कंपनीज के साथ बात करते हैं और फिर जो है उनकी बातों से उनको लगता है, उनकी बातों से या उनके आइडिया से उनको लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो वैसे जगह पर ये अपने पैसे को लगाते हैं। मतलब जो जेन्यून कंपनी है जो सच में फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ ले सकती है और जिनको अभी पैसे की जरूरत है, तो वहां पे जो है वेंचर कैपिटल मदद करते हैं। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल ऐसी नई नई कंपनी को मदद कर रहे हैं, तो शायद बहुत सारी नई नई कंपनी फेल भी हो जाती है क्योंकि नई नई कंपनी के लिए इतनी सारी मार्केट जो ऑलरेडी इतने कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में है, ऐसे मार्केट में सर्वाइव करना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो मान लीजिए अगर कोई बड़े बड़े 100 नए नए स्टार्टअप को भी इन्होंने फाइनेंस किया, ठीक है, एज्यूम कीजिए 100 को भी इन्होंने फाइनेंस किया, उसमें से मान लीजिए सक्सेस रेट एज्यूम कर लीजिए कि 10 या 20 है, 20 सक्सेस हुई, तो 20 में से 80 क्या होगी, 80 फेल होगी, तो इनका एक तरह से पैसा डूब गया। क्यों? क्योंकि जो वेंचर कैपिटल है एज अ इक्विटी होल्डर ये होते हैं, यानी कंपनी के एक तरह से मालिक बन जाते हैं जितना भी परसेंट इन्होंने फाइनेंस किया होता है। तो 20% कंपनी अगर ग्रो करेगी तो वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, और 80% कंपनी तो बिल्कुल बंद होगी। तो 80% जगह पे पैसा डूबा, पर 20 जगह पे इनको कई हजारों गुना बेनिफिट मिलता है। जो शेयर उनको मान लीजिए 1 रुपए में मिला, उसकी वैल्यू 1,000 रुपए तक भी हो जाती है, या किसी किसी केस में 2,000 तक होती है। तो सोचिए 1,000 के बदले आपने 2,000, 1 रुपए के बदले आपने 2,000 रुपए कमाए, तो कितना बड़ा प्रॉफिट है। तो तब तब जब ये मार्केट में जो कंपनी है बहुत अच्छी अपनी रेपुटेशन हासिल कर लेती है, आसानी से अपना आईपीओ लेके आती है और फिर अपने शेयर्स को इश्यू करती है, और जो शेयर्स हैं उनको बेच के जो है वेंचर कैपिटल एग्जिट कर जाते हैं, किसकी तलाश में, कोई और नई कंपनी, किसी और नए आइडिया जिसको ये फाइनेंस कर सके। तो यही जो है बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है वेंचर कैपिटलिस्ट की, कि ये क्या करते हैं, जो नई नई कंपनीज है जिनका आइडिया बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छा मार्केट में ग्रो कर सकती है, तो उनको ये फाइनेंस करते हैं एज ए इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब ये कंपनी के मालिक बन जाएंगे, ये कंपनी के 40% 50% मालिक बन जाएंगे जितना इन्होंने फाइनेंस किया। ठीक है, और फिर जब कंपनी बहुत अच्छी मार्केट में बहुत अच्छा नाम हासिल कर लेती है, उस टाइम पे ये क्या करते हैं, क्योंकि कंपनी के शेयर की कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी होगी मार्केट में, तो उस टाइम पे ये अपने शेयर्स बेच के जो है अपना एग्जिट कर जाते हैं। तो वही आपका वेंचर कैपिटल का काम होता है। वट इज प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस विद ग्रोथ। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो ये जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। इनका जो मेन पर्पस है ये वही होता है कि बहुत अच्छे से कंपनी ग्रोथ हासिल करे, क्योंकि कोई नई कंपनी को उन्होंने फाइनेंस किया तो कोई स्टार्टअप ऐसा नहीं कि 2 या 4 साल में बहुत ग्रो कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है, इनका लॉन्ग टर्म का ही इन्वेस्टमेंट रहता है। तो वेंचर कैपिटल किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगी और तब हमें कई गुना बेनिफिट होगा, तब हम इसको बेच के एग्जिट करेंगे, तो ये इसका लॉन्ग टर्म का ही प्लान रहता है। तो पहली बात सही है। सेकेंड है गारंटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है नए नए स्टार्टअप पे इनका पैसा जाता है तो कई बार डूब भी जाते हैं, तो गारंटेड रिटर्न तो हम नहीं बोल सकते, ये बहुत ज्यादा रिस्की होती है और बहुत ज्यादा रिटर्न भी होता है। फोकस ऑन एस्टैब्लिश कंपनीज ओनली। एस्टैब्लिश मतलब जो ऑलरेडी बहुत नामी कंपनी है, जो अच्छी खासी इनकी मार्केट वैल्यू है, तो उन पे ये फोकस करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो नए नए आइडियाज है उस पर फोकस करती है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट प्राइमरी इन रियल एस्टेट, तो जो रियल एस्टेट होता है जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टीज, वहां पे इन्वेस्ट करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी आइडिया इनको अच्छा लगेगा चाहे वो किसी भी सेक्टर का, वहां पे इन्वेस्ट करती है, तो ये वाली बात भी गलत होगी। सिर्फ और सिर्फ पहला जो स्टेटमेंट है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि अच्छे से कंपनी की ग्रो हो सके, और फिर बाद में जब कंपनी ग्रो होगी तो नॉर्मल सी बात है कि शेयर की वैल्यू भी बहुत ग्रो होगी, तो ये अपने शेयर्स बेच के फिर एक्सिट कर जाते हैं। ठीक है, फिर किसी नई कंपनी को फाइनेंस करते हैं, तो इस तरह से उनका काम चलता रहता है। तो ये एक हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला वेंचर होता है। हाई रिस्क मतलब रिस्क भी बहुत है और अगर रिटर्न होगा वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें होगा कि ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करती है, लॉन्ग टर्म में जो कंपनी है ग्रोथ होता है और फिर ये एग्जिट कर जाती है, इट इज नॉट फोकस ऑन गारंटीड। तो वेंचर कैपिटल मतलब वेंचर अपने में बहुत बड़ा रिस्की होता है, क्योंकि ये जो नई नई कंपनी में पैसा लगा रही, तो बहुत सारी नई नई कंपनीज जो है डूब जाती है, तो इनका पैसा भी एक तरह से डूब जाता है, तो काफी रिस्क और काफी रिटर्न वाला मतलब सौदा होता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न, अगर आप वेंचर कैपिटल में पैसा लगा रहे हैं तो रिस्क बहुत है, पर अगर रिटर्न मिला वो भी बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो हाई रिस्क हाई रिटर्न का वेंचर रहता है, और सिर्फ एस्टैब्लिश कंपनी में पैसा लगाती है बिल्कुल गलत बात है, ये एस्टैब्लिश में बिल्कुल पैसा नहीं लगाती, जो नई नई कंपनीज है वहां पे पैसा लगाती है। ठीक है, वो रियल एस्टेट में जरूरी नहीं, किसी भी सेक्टर में हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिस्क, तो वेंचर कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट है उसको इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही तरह से डिस्क्राइब करता है? दे आर हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो ये हमने अभी देखा था ना कि रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा और इसमें रिस्क भी बहुत अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि नए नए आइडियाज अगर ग्रो करेगा तो बिल्कुल मतलब आपके शेयर्स बिल्कुल आसमान में छूएंगे, इतने ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगी, या डूबेगा तो उस कंपनी ही बंद हो जाएगी, पूरा पैसा ही डूब जाएगा, तो इसीलिए हाई रिस्क हाई रिटर्न है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। दे आर मेड ओनली इन टेक्नोलॉजी, तो जो टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप है सिर्फ उसमें करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसका भी इनको आइडिया पसंद आता है उसमें ये लोग करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, तो ओनली लिख दिया तो इसलिए गलत हो जाएगा।
दे आर ए फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इक्विटी होती है यस, तो ये जो है प्राइवेट इक्विटी होती है, और उस प्राइवेट इक्विटी शेयर, इक्विटी मतलब वही शेयर हो गए, प्राइवेट शेयर्स हो गए, और उसके थ्रू ये इन्वेस्ट करती है, बात सही है। दे फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन लार्ज कॉर्प, जो बड़ी बड़ी कंपनी सिर्फ उस पर फोकस करती है ऐसा कुछ भी नहीं है, जो नए नए आइडियाज की छोटी छोटी कंपनी उनमें यह फोकस करती है, ठीक है, लार्ज कॉर्पोरेशन, ये बात भी गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें फ्रेंड फर्स्ट और थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, फर्स्ट एंड थर्ड। वेंचर कैपिटल जो होती है काफी रिस्की और काफी अच्छी रिटर्न वाली होती है, और ये छोटी और जो मीडियम साइज के बिजनेस है वहां पे करती है अपना इन्वेस्ट, ठीक है। तो लार्ज वाला इसलिए गलत हो गया क्योंकि जो नई नई कंपनीज है वो स्मॉल टू मीडियम होती है, तो उनमें ये जो है अपना पैसा लगाती है, उनमें ये जो है इन्वेस्टमेंट करती है। ये प्राइवेट इक्विटी होती है, और ऐसा नहीं कि किसी टेक्नोलॉजी या किसी मतलब उसी पे ये इन्वेस्ट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी कंपनी का इसको आइडिया लगता है, वो चाहे किसी भी सेक्टर की हो, वहां पे पैसे को इन्वेस्ट करती है। तो ये आपके वेंचर कैपिटल के फीचर्स इसमें हो गए। तो जिस तरह से हमने स्टेटमेंट बेस वाले जो एमसीक्यूज हम लोग देख रहे हैं, तो इस तरह के काफी सारे आपके इंडियन इकोनॉमी में स्टेटमेंट बेस काफी सारे इस टाइप के जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, काफी सारे पूछे गए थे। तो इसलिए हम जो भी अभी एमसीक्यू की वीडियोज बनाएंगे, हम इस तरह से फर्स्ट एंड सेकेंड या सेकेंड एंड थर्ड, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार, आपका जो इंडियन इकोनॉमी का एग्जाम था, तो इसीलिए हम इस तरह के क्वेश्चंस रख रहे हैं। और फ्रेंड्स इंडियन इकोनॉमी का आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, टू हैंड्स की आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां पे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो जिन वैसे तो हमारी सारी की सारी वीडियोज अवेलेबल है, बट जिन्होंने अभी तक वीडियो सारी की सारी नहीं देखी या टाइम नहीं मिल पाया, तो किसी भी कारणवश अगर आप सारा कुछ नहीं देख पा रहे, एग्जाम बिल्कुल पास है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट चैप्टर वाइज का जो मॉक टेस्ट है वो आप दे सकते हैं, और उससे आपको काफी अच्छा बेनिफिट इसमें हो जाएगा। तो ये जो भी मैंने क्वेश्चंस रखे, तो कुछ क्वेश्चंस तो आपके मॉक टेस्ट से मैंने सीधे लिए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कमेटी रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ वेंचर कैपिटल। तो कोई ना कोई कमेटी तो बनती है ना, जब भी कोई चीज बनती है तो कुछ ना कुछ कमेटी होती है, तो जो वेंचर कैपिटल है उसकी क्रिएशन के लिए कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था। तो नाम है भट्ट कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, रंगराजन कमेटी और केलकर कमेटी। तो इसमें से जो भट्ट कमेटी है सी, ये जो भट्ट कमेटी, इन्होंने रिकमेंड दिया था कि वेंचर कैपिटल को लाना जरूरी है ताकि स्मॉल और जो छोटे एंटरप्राइज है उनको मदद मिल सके। ये कब की बात है, ये 1972 की बात है, ठीक है। तो भट्ट कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही जो है वेंचर कैपिटल को स्टैब्लिश किया गया था। भट्ट कमेटी ऑफिशियली नोन एज कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो जो भट्ट कमेटी है इसका नाम है कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑन स्मॉल एंड मीडियम, क्योंकि जो छोटे छोटे एंटरप्राइज है उनको ही पैसे की दिक्कत आती है, तो वहां पे वेंचर कैपिटल मदद करती है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी है तो उनको तो बहुत सारे, वो अपना आईपीओ भी ला सकती है, ठीक है, शेयर मार्केट से पैसा उठा सकते, तो उनके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी स्टैब्लिश कंपनी, बैंक भी उनको अच्छा खासा लोन दे, तो उनके पास बहुत सारे पैसे के सोर्स होते हैं, पर जो छोटी छोटी कंपनी उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, तो ये वाली बात भट्ट कमेटी ने बोली थी कि वेंचर कैपिटल नाम की कोई चीज आनी चाहिए ताकि छोटे छोटे कंपनी को पैसा मिल सके और वो ग्रो कर सके, ठीक है, और साथ साथ हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करे। तो 1972 में इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद ही वेंचर कैपिटल को इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था। वेंचर कैपिटल में कई सारे स्टेप्स होते हैं फ्रेंड्स, उसी में से एक स्टेप है लेटर स्टेज फाइनेंस। तो वहां पे टर्न अराउंड होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, टर्न अराउंड जो है वेंचर कैपिटल के ही कंटेक्स्ट में, ये टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज क्या होती है कि लॉस मेकिंग कंपनीज होती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका ऑफिस है, उस ऑफिस में आपने क्या किया, मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, रेस्टोरेंट आप चला रहे हैं, तो उस रेस्टोरेंट में क्या है कि कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि मतलब वहां का माहौल एक ऐसा होता है या कुछ भी ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से आपको वो पसंद नहीं आता। मतलब कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, बहुत सारी फैसिलिटीज बोले तो जैसे कि आपका प्रॉपर एसी रहेगा अंदर, ठीक है, और बहुत खुला सा रहेगा और आपकी सीट्स बहुत सारी रहेंगी, मतलब सब कुछ ए टू जेड आपको सब कुछ ओके लगता है, बट उसके बावजूद भी वो रेस्टोरेंट नहीं चलते, और कुछ नॉर्मल सी जो चाय की दुकान है वहां भी आपको लोगों को मतलब बैठने की कहीं जगह नहीं, खड़े खड़े जो है खा लेते खाना, लेकिन फिर भी वो जो है डिफरेंस क्या है, मतलब एक रेस्टोरेंट जहाँ सब कुछ है फिर भी वहाँ पे लोग नहीं जा रहे, और एक रेस्टोरेंट जो बहुत छोटा है फिर भी वहाँ पे लोग जा रहे, तो उसका कारण क्या है। तो कुछ चीजें होती है, कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है, कुछ ना कुछ मॉडरेशन होता है या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो आपको पसंद है पर मार्केट में लोगों को पसंद नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को समझना, और जो प्रोडक्ट आपको फायदा नहीं पहुंचा रहे उनको हटा देना, जब कोई उसको ले ही नहीं रहा था बेटर है कि उस प्रोडक्ट को हटा दे। तो ये जो आपका टर्न अराउंड है इसमें क्या होता है कि कंपनी को मॉडर्नाइज किया जाता है, प्रॉपर उसमें स्टडी किया जाता है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो लॉस मेकिंग है। अब मान लीजिए आप चार चीजें बेचते हैं, उसमें से
तीन प्रोडक्ट बिक रहे हैं या फिर मान लीजिए आप चार बेच रहे हो, उसमें से दो प्रोडक्ट बिक रहे हैं दो नहीं बिक रहे, तो क्यों आप दो जो बिक नहीं रहे तो उस पर क्यों पैसा लगा रहे हो? तो बेटर है कि वो पैसा इस प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करने में लगाओ ताकि आपका बिजनेस और ग्रो करे। तो वही होता है टर्न अराउंड टाइम, सॉरी वही होता है आपका टर्न अराउंड। तो टर्न अराउंड में क्या होता है कि जो भी आपकी एक्टिविटी है उसको एक्सपेंड किया जाता है, उसको मॉडर्न बनाया जाता है ताकि जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसको ग्रो किया जाए, ठीक है? तो उसी को टर्न अराउंड बोला जाता है। तो ये लेटर स्टेज फाइनेंस वाले में होता है, ये भी आपके वीसी के स्टेज होते हैं। वीसी में कई सारे स्टेज होते हैं, जैसे आइडिया स्क्रीनिंग, स्टार्टिंग में जो है आइडिया देखा जाएगा कि 10 आइडियाज हैं, 10 एप्लीकेशन है, बेस्ट कौन सा रहेगा। तो कई सारे वीसी के स्टेप होते हैं, उसी में से टर्न अराउंड भी वीसी का, वेंचर कैपिटल का एक स्टेप होता है जो कि लेटर स्टेज फाइनेंस में यूज किया जाता है। अब लेटर स्टेज का मतलब क्या है, वेंचर कैपिटल को शुरुआत में भी फाइनेंस होता है या कुछ कंपनीज जो है बाद में भी फाइनेंस चाहती है तो उसको लेटर स्टेज फाइनेंस बोला जाता है, वहां पर टर्न अराउंड को यूज किया जाता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे टर्न अराउंड इन्वॉल्व एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज और एक्सपेंड ऑपरेशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी। तो यहाँ पे एफर्ट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, वेंचर कैपिटल के द्वारा फाइनेंस करके एफर्ट्स लगाए जाते हैं ताकि कंपनी की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। दैट इज ऑपरेटिंग एट ए लॉस, कोई लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसमें एफर्ट्स लगाना, उनको पैसे से ऐसा कुछ करना, मॉडर्न करना, इंप्रूव करना, एक्सपेंड करना ताकि वो लॉस मेकिंग ना हो और वो अच्छी प्रॉफिटेबल इसमें हो सके। तो ये जो सेकेंड है ये टर्न अराउंड का सही डेफिनेशन है, तो बी यानी सेकेंड आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। फिनटेक के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, व्हाट डज फिनटेक रेफर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग। तो बैंकिंग के हिसाब से फिनटेक्स किसको बोला गया? तो अगर हम फिनटेक की बात करें तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी कंपनी जिनकी मतलब जो बैंकिंग सर्विसेज दे रही है लेकिन उनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, ठीक है, कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है। जैसे बैंक होते हैं ना, प्रॉपर कस्टमर विजिट करते हैं, एटीएम होते हैं, तो वैसे नहीं होते हैं ये, पर फिर भी ये बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, पेमेंट, ये सब आप पैसा ट्रांसफर करना, ये सब आप इनसे कर सकते हो, वही आपका फिनटेक होता है। जैसे आपके गूगल पे हो गए, फोन पे हो गए। फिनटेक ये कहाँ से आया? देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, एक तो है फाइनेंशियल और दूसरा है टेक्नोलॉजी, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज आप दे रहे हो। इसमें दो चीजें फ्रेंड्स फिनटेक्स में, एक है फाइनेंशियल और दूसरा आपका टेक्नोलॉजी, यानी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, उसी को फिनटेक बोला गया। तो फिनटेक को लेकर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे गूगल पे, फोन पे, ये सब क्या है? फोन पे क्या है? ये एक आपकी ऐप है, तो फोन पे आपकी एक ऐप है, ऐप आपकी क्या है? टेक्नोलॉजी है। तो आप उस ऐप के थ्रू क्या कर रहे हैं, पैसा कहीं पे भेजना है या कुछ मोबाइल रिचार्ज करना है, कोई बिल पेमेंट करनी है या कहीं पे अपना बैलेंस चेक करना है या किसको पैसा भेजना है, तो कई सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी आप उस ऐप के थ्रू कर सकते हैं, तो वो आपका एक फिनटेक हो जाएगा, ठीक है? इसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती, ये डिजिटली रहता है। डिजिटल मतलब आपका ऐप है ना, तो ऐप के ही थ्रू आप ट्रांसफर करोगे। अगर मैं बोलूँ फोन पे की ब्रांच है, यहाँ जाके विजिट करो, फोन पे की हायरिंग हो रही है या वहाँ के स्टाफ होंगे, जैसे बैंक होगा इस तरह का कोई सीन होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एक तरीके की डिजिटल बैंकिंग आप इसको बोल सकते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ट्रांजिशन फ्रॉम फिजिकल बैंकिंग टू डिजिटल बैंकिंग। तो फिनटेक क्या है? जो ट्रांजिशन बैंकिंग है या फिजिकल बैंकिंग है, जैसे बैंक्स होते हैं, ये वैसे नहीं होते, ये डिजिटल बैंक्स होते हैं, ठीक है? यानी ये ऐप में ही आपका होगा, सारे ट्रांजेक्शन आप इसमें कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला सही है, द यूज ऑफ ट्रांजिशन बैंकिंग। ट्रांजिशन बैंकिंग वही हो गया जो फिजिकल ब्रांच होती है, तो फिनटेक में ट्रांजिशन नहीं होता। और फोकस ऑन कैश, तो कैश ट्रांजिशन तो वहाँ कहाँ होती है? बैंकों की जो ब्रांचेस है वहाँ होती है, तो यहाँ पे कैश ट्रांजिशन नहीं होता, सारा का सारा डिजिटल यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है। द एलिमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को एलिमिनेट किया जाता है, हटाया जाता है, बहुत गलत है। यहाँ पे बैंकिंग में टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, ना कि एलिमिनेट। तो ये तीनों बातें गलत है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तो फर्स्ट आपका इसमें हो जाएगा, फिनटेक रेफर्स टू ट्रांजेक्शन फ्रॉम फिजिकल बैंकिंग टू डिजिटल। तो फिनटेक में क्या होगा कि फिजिकल बैंकिंग से आप कहाँ आ रहे हैं, आप डिजिटल बैंकिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है? और इससे क्या, आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस जो कस्टमर का है वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि उनको इनोवेटिव मतलब अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी के बैंकिंग सर्विसेज देखने को मिलती है। फोन पे, गूगल पे, आजकल आप किसी सब्जी वाले के पास भी ट्रांसफर करोगे, कहीं पे भी जाओगे, 5 रुपए की, 10 रुपए की चाय पियोगे, तो हर जगह आपको फोन पे इन सब की एप्स मिल जाती है, उन्हीं के थ्रू आप जो ट्रांसफर करते हैं, आपके स्कैनर होते हैं जिसके थ्रू ट्रांसफर की जाती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपके फिनटेक का होने का। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर्स। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस जैसे आप कोई शेयर लेने जाते हो ना, तो आपको क्या मिलता है? प्रोस्पेक्टस मिलता है, यानी प्रोस्पेक्टस एक का, मान लीजिए आप एक कंपनी है, एबीसी कंपनी, या मान लीजिए टाटा कंपनी, आप क्या कर रहे हो, टाटा कंपनी का शेयर लेने जा रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि टाटा कंपनी क्या काम करती है, इसका कितना प्रॉफिट हुआ, इसकी कौन कौन सी बाकी की कंसर्न्स है, मतलब और कौन कौन सी कंपनियां जो टाटा के अंडर काम करती है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप अगर आपको रहेगी तो उससे आपको टाटा का
फ्यूचर पता रहेगा कि ये जो शेयर है मैं खरीद रहा हूँ तो मेरे को फ्यूचर में फायदा होगा कि लॉस होगा, तो आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इसीलिए जो है सेबी कोई भी कंपनी अगर अपना आईपीओ लाती है या अपने शेयर्स को मार्केट में इश्यू करना चाहती है तो सेबी उसको बोलती है कि प्रोस्पेक्टस इशू करो। तो प्रोस्पेक्टस मतलब पूरी कुंडली इसमें कंपनी की रहती है कि कौन कौन इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, कौन कौन कितने एम्प्लॉय है, कितना इसने प्रॉफिट अर्न किया, कितना इसका प्रॉफिट हुआ, क्या क्या प्रोडक्ट बेचती है, मतलब पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाता है। अब रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, यानी प्रोस्पेक्टस ये है कि जिसको पढ़ के हमें कंपनी के बारे में पता लगेगा, क्योंकि आप कंपनी के शेयर लेने जा रहे हैं तो यानी मान लीजिए अगर आप 1% शेयर लेने जा रहे हैं तो आप कंपनी के मालिक बनने वाले हैं। तो जब आप किसी कंपनी के मालिक बनने वाले तो आपको मालूम तो होना चाहिए कंपनी क्या करती है, कैसे काम करती है, जिस कंपनी का मैं मालिक बनने वाला हूँ फ्यूचर में वो ग्रो करेगी या डूब जाएगी, क्योंकि अगर कंपनी फ्यूचर में डूब जाएगी तो आपका पैसा भी डूब गया। तो सेबी का काम है कि जो भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में शेयर के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू, तो सेबी उनको बचाने का, प्रोटेक्ट करने का काम करे। तो इसलिए जो सेबी ने मैंडेटरी किया हुआ है कि प्रोस्पेक्टस आपको देना पड़ेगा। अब रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, देखिए रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है, यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स, ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जहाँ पे प्राइस नहीं बताया जाता। जनरली आप शेयर लेते हो तो उसमें आपको रहेगा कि एक शेयर का कीमत है 10 या 20 रुपए, बट रेड हियरिंग में ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये नहीं पता होगा कि फाइनल प्राइस कितना है और कितने शेयर आपको मिलेंगे, ये भी नहीं पता आपको, मतलब क्या प्राइस है शेयर का वो भी नहीं पता, कितने शेयर मिलेंगे वो भी नहीं पता, ठीक है। बस यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट होता है, यानी एक लिमिट होती है कि शेयर का प्राइस 20 से 30 रुपए के बीच में होगा, 20 का होगा, 22 का होगा, वो आपको का पता लगेगा बाद में जो डिमांड आएगी ना, तो उस हिसाब से फाइनल प्राइस डिसाइड करते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको प्राइस नहीं रहता, नहीं पता रहता, और ये भी नहीं पता रहता आपको कितने शेयर मिलने वाले, एक लिमिट आपको पता होगी, एक रेंज पता होगी जिसको आप प्राइस बैंड बोल सकते हैं, मतलब शेयर का प्राइस 20 से 30 रुपए के बीच में होगा। अब 20 से 30 रुपए के बीच में कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने उसकी एप्लीकेशन दी है, तो जितनी ज्यादा डिमांड आएगी उतना ज्यादा वो प्राइस बढ़ा देते हैं। पर जब आप उसको अप्लाई कर रहे होते हैं शेयर के लिए उस टाइम आपको नहीं पता रहता, तो वही आपका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इट इंक्लूड द फाइनल प्राइस ऑफ शेयर, ये बात गलत है, इसमें हमें शेयर का फाइनल प्राइस नहीं पता रहता। इट डज नॉट डिस्क्लोज द प्राइस और नंबर ऑफ शेयर, हाँ डिस्क्लोज मतलब बताना, डज नॉट डिस्क्लोज मतलब नहीं बताना, ये नहीं बताते कि किस प्राइस पर हमें शेयर मिलने वाला और कितना शेयर हमें मिलने वाला, ये हमें नहीं बताते, तो ये बात सही हो जाएगी। नेक्स्ट है इट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल बीइंग रेज, तो कितना पैसा आप रेज करोगे शेयर से, तो ये भी हमें नहीं पता लगता, ठीक है। इट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट अमाउंट, कितना पैसा हम रेज करने वाले हैं, क्योंकि पैसा रेज करना क्या है, मान लीजिए 10 लोगों ने 100 रुपए का शेयर खरीदा तो कितना कैपिटल हुआ, 1000 रुपए रेज हो गए। पर ये कब हमें पता लगा, जब हमें मालूम है कि एक शेयर का कीमत है 100 रुपए, जब हमें शेयर का कीमत ही नहीं पता कितने का, तो हम कैसे बता सकते हैं एक्स अमाउंट की कितने का कैपिटल, कितना पैसा जमा किया जाएगा। तो ये बात भी गलत होगी कि इसमें हमें पता लगता है कि कितना पैसा कंपनी उठाने वाली शेयर के थ्रू, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता कि शेयर का रेट क्या है, क्योंकि कंपनी को भी नहीं पता, जितनी ज्यादा डिमांड आएगी तो कंपनी अपने शेयर का रेट उतना ज्यादा बढ़ा के बोलेगी, अगर डिमांड कम है तो घटा के बोलेगी, ठीक है। तो इसलिए कंपनी पहले से नहीं बताती, वही होता है आपका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो कितना कैपिटल रेस होगा वो हमें नहीं पता होता, तो ये बात भी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हमें पहले से पता होता है। लास्ट है इट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द अपर, हाँ ये बात सही है, अपर और लोअर लिमिट बता देगा, क्योंकि अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, आप एज्यूम कर रहे हैं कि 20 रुपए का शेयर और पता लगा 100 रुपए का, तो एक लिमिट अगर आपको पता होगी तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। तो इससे हमें अपर और जो लोअर प्राइस बैंड है वो हमें पता लगता है। यहाँ पे हमें फाइनल प्राइस नहीं पता रहता, हाँ पर हमें जो है हमें ये भी नहीं पता रहता कि कितने शेयर या कितना हमें कितने शेयर मिलेंगे और एक शेयर का प्राइस क्या रहेगा, हमें बस ये पता होता है कि अपर और लोअर रेंज क्या है शेयर की, ठीक है। तो दूसरा और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सेकेंड एंड फोर्थ, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में ये नहीं पता होता कि फाइनल प्राइस क्या है और आपको जो लिमिट है बस वो पता होती है कि ये रेंज है मिनिमम और ये रेंज है मैक्सिमम, तो सेकेंड एंड फोर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, सनराइज सेक्टर में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, ये इस बार नहीं पूछा गया था मई जून 2024 में, ये उससे पहले जो आपका अक्टूबर में पूछा हुआ था ना एग्जाम, उससे पहले तब पूछा गया था सनराइज सेक्टर। तो सनराइज सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी आपको, सनराइज सेक्टर किसको बोलते हैं, सनराइज मान लीजिए ये सन है और ये राइज हो रहा है, इसका मतलब सुबह की बात हो रही है, मतलब कोई एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि मतलब एक ऐसी कंपनी जिसको देख के लगता है कि इसका भविष्य बहुत है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उसी तरह की इंडस्ट्रीज को सनराइज इंडस्ट्रीज बोलते हैं या सनराइज सेक्टर, मतलब जिसका भविष्य आपको बहुत उज्जवल दिखता है। जैसे कोई बच्चा है मान लीजिए, उसके मार्क्स देखिए, आपने बोला कि ये तो फ्यूचर में आईएएस बनेगा, ये बहुत बड़ी पोस्ट में जाएगा, बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, तो आपने उसको देख के बता दिया ना कि इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। तो उसी तरह की कंपनी जिनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, वो भी अभी बच्चे स्टेज में, वो शुरुआती स्टेज में, पर उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, तो उस तरह की इंडस्ट्रीज को सनराइज इंडस्ट्रीज या सनराइज सेक्टर बोला जाता है।
है। तो हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन, काफी अच्छा इनोवेशन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। मेच्योर एंड एस्टेब्लिश, मेच्योर एंड एस्टेब्लिश किसको बोलते हैं, जो ऑलरेडी बहुत नामी कंपनी है। तो सनराइज, नई नई कंपनी जो नए नए स्टार्टअप है उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। नया सनराइज मतलब अभी भी शुरू हुई है, जो एस्टेब्लिश कंपनी हो तो कई सालों से चल रही है ना, वो सनराइज कैसे हो सकता है। तो मेच्योर एंड एस्टेब्लिश इंडस्ट्री ये नहीं होता। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट, हाँ ये बहुत अच्छा आगे ग्रो कर सकती है, ये बात भी सही है। हाई लेवल ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को सब कुछ पता है ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी वो नई नई आई है कंपनीज, ठीक है, अभी सबको नहीं पता। जो पहले से एस्टेब्लिश है उनको सब लोग जानते हैं, पर इनकी अवेयरनेस ज्यादा नहीं होती। तो यहाँ पे लिखा है हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस, तो ये बात भी गलत है। तो जो सनराइज सेक्टर है या जो सनराइज इंडस्ट्रीज है, ये उन कंपनीज को या उन इंडस्ट्रीज को बोला जाता है जिनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। अभी लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर भविष्य में बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। तो वही सनराइज सेक्टर होता है। तो इनका इनोवेशन बहुत अच्छा होता है और इनका ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा, मतलब फ्यूचर में बहुत आगे तक जाएंगी, पर अभी ज्यादा लोग नहीं जानते, पर भविष्य इनका बहुत अच्छा है। तो उस तरह के इंडस्ट्रीज या सेक्टर को सनराइज सेक्टर बोला जाता है। सो फर्स्ट एंड थर्ड वाला आपका सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ए, यानी फर्स्ट एंड थर्ड। सनराइज सेक्टर आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन बहुत अच्छा है, ग्रोथ भी इनकी बहुत अच्छी होती है। दे आर नॉट मेच्योर, मेच्योर उसको बोलते हैं ना जो ऑलरेडी बहुत पुरानी, जैसे टाटा कंपनी बहुत पुरानी है, ठीक है, और LIC आपका, LG, तो ये जो बड़ी बड़ी स्टैब्लिश है तो बहुत पहले से चली आ रही है, इनको हम सनराइज नहीं बोलेंगे। जो नई नई कंपनी है और जिनका ग्रोथ रेट फ्यूचर में बहुत अच्छा है, तो उनको ही हम सनराइज बोल सकते हैं। इसी के एग्जाम्पल पे एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज कंसिडर्ड एज सनराइज। तो अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो सनराइज का एग्जाम्पल दीजिए। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, जो पहले से टेक्सटाइल चला आ रहा है वो, ग्रीन एनर्जी, माइनिंग, रियल एस्टेट, तो ये सब चीजें तो पहले से चली आ रही है। तो जो ग्रीन एनर्जी है थर्ड, वो आपका करेक्ट आंसर है, सॉरी सेकेंड, ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी क्या है, ग्रीन एनर्जी मतलब हमें जैसा ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल करना है, जैसे आपका सोलर पैनल हो गया, ठीक है, सोलर पावर प्लांट। तो इस तरह की एनर्जी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, तो उससे हमारा नेचर को बहुत हार्म पर पहुंच रहा है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया जाए, इस तरह की इंडस्ट्रीज का फ्यूचर बहुत अच्छा। तो ग्रीन एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी बनाना जिससे कोई पॉल्यूशन ना हो, नेचर को, क्लाइमेट को कोई भी इंपैक्ट ना पहुंचे, उसको ग्रीन एनर्जी बोला जाता है। तो इसका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है, यही जो हमारे सनराइज का बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है। ग्रीन एनर्जी इज कंसिडर्ड एज ए सनराइज सेक्टर, अगर हम एग्जाम्पल ले सनराइज का, तो ग्रीन एनर्जी एक सनराइज सेक्टर है, क्योंकि इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो होगा, बहुत अच्छा इनोवेशन भी होगा। जो टेक्सटाइल है, माइनिंग है, रियल एस्टेट, ये कोई नया नहीं है, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है ना, ये बहुत ही इस्टेब्लिश है। अब कोई टेक्सटाइल है या माइनिंग है, ये बहुत पुरानी अच्छी खासी इस्टेब्लिश कंपनी है, ये कोई नई नई कंपनीज नहीं है, इसलिए इसको सनराइज हम नहीं बोल सकते। एक ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स पीपीएफ के ऊपर, क्वेश्चन आपका ये था कि लॉक इन पीरियड कितना होता है, ठीक है। तो लॉक इन पीरियड आपका 15 साल का होता है, तो इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का। इट हैज लॉक इन पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ये बात गलत है, 10 साल का नहीं बल्कि 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। रिटर्न्स फ्रॉम पीपीएफ आर टैक्सेबल, तो जो भी इसमें रिटर्न मिलता है वो क्या होता है, टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो है टैक्स नहीं पे, मतलब टैक्स डिडक्शन आपको मिलती है 1,50,000 तक ATC के तहत। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पे गलत इसमें हो जाएगा। तीसरा कंट्रीब्यूशन अप टू 1,50,000, तो पीपीएफ में आपका जो 1,50,000 का जो कंट्रीब्यूशन है वहां पे आपको टैक्स में डिडक्शन मिलती है एज पर सेक्शन 80C, ये बात बिल्कुल सही है। चौथा है NRI एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन ओपन पीपीएफ अकाउंट, तो जो NRI और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ये एलिजिबल नहीं होते, ये पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते, तो ये वाली बात भी गलत इसमें हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपका क्या था फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका लॉक इन पीरियड को लेकर पूछा गया था कि पीपीएफ का लॉक इन पीरियड कितना होता है। तो आंसर कितना है, 15 ईयर्स का होता है इसका लॉक इन पीरियड, कितना होता है, 15 ईयर्स। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपका एग्जाम में अभी, और इसको लेके मैंने जो क्वेश्चन बनाया वो यही है, इसमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जितनी भी हमने स्टेटमेंट देखी, सिर्फ और सिर्फ जो तीसरा स्टेटमेंट है थर्ड वाला, वो वाला सही है। तो थर्ड ओनली, यानी ये जो सी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1,50,000 तक जो आप कंट्रीब्यूशन करते हैं पीपीएफ में, वो आपका ATC के तहत जो है आपको उसमें टैक्स में छूट मिलती है, तो टैक्स में आपको डिडक्शन मिलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ओनली, सिर्फ थर्ड, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट, तो अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम अमाउंट कितना है। तो फ्रेंड्स मिनिमम अमाउंट को लेके या मैक्सिमम को लेके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 500 है, 1,000 है, 2,000 है, 5,000, तो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ओनली, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए। और अगर मान लीजिए होता मैक्सिमम अमाउंट, तो साल में आप मैक्सिमम 1,50,000 तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पीपीएफ में। मिनिमम कितना, 500 रुपए, और मैक्सिमम 1,50,000 रुपए,
ठीक है। और एक और बात, जो एनआरआई और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो एलिजिबल नहीं होते, वो पीपीएफ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखी जानी है। अटल पेंशन के ऊपर भी क्वेश्चन हमेशा पूछ ले जाते हैं, व्हाट इज द एज लिमिट? अगर आप अटल पेंशन योजना अगर आप चाहते हैं सब्सक्राइब करना, तो एज लिमिट कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे लिमिट दी है फ्रेंड्स 18 से लेके 40 तक, 20 से 50, तो 18 से 40 वाला ऑप्शन हमारा सही है, बाकी ऑप्शंस गलत है। तो वन ओनली, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज लिमिट अगर आप अटल पेंशन योजना को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 18 से 40 साल का होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। व्हाट इज मिनिमम गारंटीड पेंशन अमाउंट? तो जब आप अटल पेंशन योजना जो शुरू करते हैं तो उसमें से आपको जो मिनिमम गारंटीड पेंशन मिलता है 60 के बाद, तो वो कौन सा मिलता है? ठीक है, तो इसमें अलग अलग रेंज होती है। 500 वाला तो कोई रेंज नहीं है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, तो 5 टाइप की पेंशन मिलती है। अगर आपका प्रीमियम कम रहेगा तो 1000 वाला रहेगा, और अगर प्रीमियम ज्यादा है तो 5000 वाला पेंशन रहेगा, ठीक है। तो 1000, 2000, 3, 4, 5000, ठीक है, 5 ऑप्शंस मिलते हैं। 500 की पेंशन वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वाला सही हो जाएगा। तो वही पूछा था कि कौन कितना मिनिमम पेंशन मिलता है, तो 2, 3, 4, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 2, 3 एंड 4, यानी 1000, 2000, 3000, किसी का भी पेंशन मिल सकता है। 500 वाला कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका इनकरेक्ट होगा, बाकी के जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसके ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन? तो कौन कौन है इसमें से जो कि अटल पेंशन योजना को ज्वाइन नहीं कर सकता? अ पर्सन एज 45 ईयर्स, तो ये ज्वाइन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि एज लिमिट है 18 से 40 साल, तो जिसकी 45 साल है तो वो इसको ज्वाइन नहीं कर सकता, तो पहला वाला हो जाएगा नॉट एलिजिबल के लिए। सेकंड, एनआरआई, तो हमने देखा था कि एनआरआई और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लोग भी एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। तो नहीं, एनआरआई जो है वो एलिजिबल होते हैं, वो हमारा पीपीएफ था फ्रेंड्स, जो हमने से पहले वाला देखा था ना पीपीएफ, उसके लिए एलिजिबल नहीं होते, जो हमने ये क्वेश्चन देखा था, देखिए पीपीएफ वाला, तो उसको जो एनआरआई और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एलिजिबल नहीं होता पीपीएफ के लिए, पीपीएफ की बात हो रही थी कि एनआरआई और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है एलिजिबल नहीं होती है। पर अगर हम अटल पेंशन योजना की बात करें तो जो आपके एनआरआई वो भी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो कौन एलिजिबल नहीं होता? एनआरआई तो एलिजिबल होता है, ये एलिजिबल होता है। अ सिटीजन हु इज इनकम टैक्स पेयर, हाँ, जो इनकम टैक्स पे करता है तो वो एलिजिबल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसकी इनकम इतनी है कि वो टैक्स पे कर रहा है, तो वो एलिजिबल नहीं होता। अ पर्सन विदाउट ए सेविंग बैंक अकाउंट, तो जिसका सेविंग बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट नहीं है तो वो भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मिनिमम आपका सेविंग बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए, वहीं से आप हर महीना प्रीमियम जो है पे करोगे। तो कौन कौन एलिजिबल नहीं है? जिसका एज 45 से ज्यादा है, जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है, या जिसके पास सेविंग बैंक अकाउंट नहीं है, तो ये तीनों के तीनों एलिजिबल नहीं है। एनआरआई जो इसके लिए एलिजिबल होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। जो आपका पीपीएफ था ना, उसमें आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एनआरआई एलिजिबल नहीं होता, बट जो आपका अटल पेंशन योजना उसमें एनआरआई भी आपका रेजिडेंट तो है ही, साथ साथ एनआरआई भी एलिजिबल रहता है। तो सेकेंड आपका इसका करेक्ट आंसर जो है, इसमें पूछा था नॉट एलिजिबल, तो कौन सा एलिजिबल नहीं है? तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ वाला एलिजिबल नहीं है, तो सी आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी जिसका एज 45 से ज्यादा, जो टैक्स पे कर रहा है, और जिसका सेविंग अकाउंट नहीं है, तो ये तीनों एलिजिबल नहीं है। वही पूछा था विच इज नॉट एलिजिबल, तो आपका सी आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। सो इसके साथ ये जो वाला जो वीडियो है यहाँ पे, इसको कंप्लीट इसका हो गया फ्रेंड्स। कुछ और क्वेश्चन आंसर्स को मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।